प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। गुमला से 30 किलोमीटर दूर सिसे प्रखंड के प्राचीन नौरत्नगढ़ के खुदाई से जमीन के नीचे खुफिया किला मिला है। अभी 5 फीट तक खुदाई की गई है, जिसमें भवन की छत और दरवाजा मिला है। यह महल राजा दुर्जन शाल ने किस मकसद से बनवाया था, इसकी जांच पुरातत्व विभाग कर रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुगल सम्राट से बचने के लिए राजा दुर्जन शाल ने जब छोटा नागपुर के गुमला स्थित सिसई में नगर गांव में अपनी राजधानी नौरत्नगढ़ की स्थापना की, उस समय उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए जमीन के अंदर भी खुफिया भवन का निर्माण कराया था। हालांकि पुरातत्व विभाग अभी यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि राजा ने किस मकसद से जमीन के अंदर इस भवन का निर्माण कराया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सुरक्षा के लिए या फिर बेशकीमती हीरे मोती रखने के लिए इस खुफिया भवन का निर्माण किया गया होगा। हम लोग का देखने में से तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं और जहाँ खुदाई हो रहा है वहाँ तो नीचे तरफ फिर सीन मिल रहा है, तो नीचे उसमें भी तहखाना मिल रहा है जगह जगह। हो सकता है कि नीचे कितना का है वो खुदाने से ही पता चलेगा। राजा और रानी के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर आने जाने के लिए भी इस खुफिया भवन के अंदर से रास्ते का निर्माण किया गया होगा। बताया जा रहा है कि जमीन की खुदाई मिलने से भवन के अंदर एक खुफिया रास्ता भी मिल रहा है, अभी खुदाई जारी है। समाज सेवी दामोदर सिंह ने इस संबंध में बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई किया जा रहा है। वर्तमान में मिट्टी के अंदर दबे राज दरबारी स्थल रानी कुआं की खुदाई हो रही है, साथ ही रानी तालाब की सफाई और बाउंड्री का कार्य भी किया जा रहा है। राज दरबारी महल की खुदाई की शुरुआत में ही महल के 2 मंजिला होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें एक तल्ले के ध्वस्त होने और दूसरे तल्ले के सही सलामत होने की आशंका खुदाई करने वालों ने व्यक्त की है। खुदाई के दौरान निकलने वाली ईंट को भी संग्रहित किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी जीर्ण शीर्ण महलों की मरम्मत किया जाना है, इसके लिए ईंट बालू और चूना का मिश्रण बनाया जा रहा है। खुदाई से हम लोग को लग रहा है कि यहाँ आदमी को देखने से दिख रहा है कि बहुत ही आदमी यहाँ आ जा रहा है। अगर बन जाने से ये बहुत बड़ा ही पर्यटक बन जाएगा, सरकार की ओर से विस्तृत से इसको पर्यटक बनाया जाए, यहाँ का इतिहास बरकरार रहे। 1739 में राजा दुर्जन शाल द्वारा निर्मित नगर के इस राजमहलों के अवशेष को भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, जिसके बाद से इसके सुंदरीकरण और विकास के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग रांची द्वारा सुंदरीकरण के काम किया जा रहा है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।